हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्वेता। वेलकम टू कॉन्सेप्ट्स एंड मैथ्स। तो आज के इस वीडियो में हम अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स जो कि CBSE क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। उसका जो एक्सरसाइज है, पहला एक्सरसाइज 3.1, उसके नंबर 3, उसके 3 नंबर के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो जहाँ मतलब जैसे आप देख सकते हो कि आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, ठीक है। विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटर इज नॉट कॉन्वेक्स, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन। तो आइए इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, इसको तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, मतलब एक साथ नहीं, आधा आधा इसको समझते हैं, ठीक है। तो पहला लाइन हमें बोल रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो हमें ये बोल रहा है कि अगर हम एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं, किसी भी अगर एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हम ड्रॉ करते हैं, तो उसके जो सारे एंगल्स हैं उसका सम कितना होगा, ठीक है। पहले हमको ये निकालना है, फिर हमें ये चेक करना है कि विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स, ठीक है। तो पहले हमें क्या निकालना है, एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स निकालने हैं। वो निकलने के बाद हमें ये चेक करना है कि अगर वो क्वाड्रिलेटरल जो है, अगर वो कॉन्वेक्स ना हो, अगर वो कॉन्वेक्स ना हो मतलब अगर वो एक कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल हो, तो वहाँ भी क्या यही प्रॉपर्टी अप्लाई होगा कि नहीं, तो हमें वो चेक करना है, ठीक है। तो पहले हम जो फर्स्ट लाइन है हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो आइए, तो पहले हम क्या करेंगे, एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये मेरा हो गया कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। इसको मैं नाम दे देती हूँ ए बी सी एंड डी, ठीक है। और मैं क्या करती हूँ, इसमें एक डायगोनल भी मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ओके। तो ये बन गया मेरा कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल। तो इससे मुझे सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप ये क्वाड्रिलेटरल को देखेंगे, तो अगर मैं उसमें एक डायगोनल ड्रॉ कर देती हूँ, तो ये जो मेरा क्वाड्रिलेटरल है, दो ट्रायंगल्स में मतलब दो ट्रायंगल्स बन जाते हैं इसमें, है कि नहीं। तो कौन कौन से ट्रायंगल बन रहे हैं, जब दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं क्या क्या, एक तो एक ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, और जो दूसरा ट्रायंगल है वो बन रहा है ट्रायंगल बी सी डी, ओके। तो अगर मैं इसको देखूंगी, तो पहले मैं किसको कंसिडर करती हूँ, ए बी डी, ठीक है, ये वाले एंगल को मैं कंसिडर करती हूँ। तो इसको मैं क्या इस तरह लिख सकती हूँ कि इन ट्राइंगल ए बी डी, ओके, इन ट्राइंगल ए बी डी एंगल, अच्छा, ये करने से पहले हमें और एक चीज़ ये इधर देखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल तो अभी दो ट्रायंगल में बट चुका है, बट ये जो क्वाड्रिलेटरल है, अगर मैं इसका सम निकालती हूँ, तो ये जो मेरे चारों एंगल्स हैं वो मिलकर कितना होगा, 360 डिग्री होना चाहिए, है कि नहीं। तो मैं इधर क्या लिखूँगी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू ये मेरा बन जाता है 360 डिग्री, ठीक है। तो अभी तो ये दो ट्रायंगल में बढ़ चुका है, तो हम कैसे निकालते हैं, देखिए इसको मतलब ये जो स्टेटमेंट है हमारा, इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी डी मतलब ये वाला ट्रायंगल में, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ट्रायंगल ए, ठीक है, ट्रायंगल ए प्लस ए बी डी, ओके, प्लस एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए बी डी इक्वल टू 180 डिग्री, इसको मैं लिख सकती हूँ, होगा, यस, ठीक है। तो अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ठीक है, इसको अगर मैं मिलाती हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, 180 डिग्री बन जाएगा। तो
तो इसको मैं क्या करती हूँ, इसको मैं इक्वेशन वन दे देती हूँ, ठीक है। तो ये जो, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ऐसा बन जाएगा। और वैसे ही जो दूसरा ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये वाला ट्रायंगल जहाँ मैंने क्रॉस का मार्क किया हुआ है, अगर आप वो ट्रायंगल को देखोगे तो इन ट्रायंगल BCD, तो इसमें अगर आप देखोगे तो क्या बनेगा, एंगल BDC, ओके, एंगल BDC प्लस एंगल C प्लस एंगल DBC, ओके, इक्वल टू 180 डिग्री, जो जिसको मैं इक्वेशन टू बोल के नाम दे सकती हूँ, ठीक है। तो मेरा इक्वेशन वन और टू बनने के बाद मैं क्या करूँगी, ये जो दोनों इक्वेशंस हैं मैं इसको ऐड कर दूँगी, राइट। तो ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐड करती हूँ तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। जस्ट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देती हूँ ताकि अच्छा खासा स्पेस बन जाए। ओके, तो अभी अगर मैं इसको ऐड करूँगी तो ये मेरा बन जाएगा एंगल A प्लस एंगल ABD प्लस एंगल ADB प्लस, ये तो मेरे हो गए इक्वेशन वन के सारे खत्म हो गए। अब इक्वेशन टू में क्या क्या है, एंगल BDC, ठीक है, प्लस एंगल C प्लस एंगल DBC, राइट, इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, समझ में आया, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगी, जो B एंगल हैं उनको पास पास लाऊंगी और जो D एंगल है मैं उनको पास लाऊंगी, ठीक है, समझ में आया। मैं क्या करूँगी, जो दो B एंगल्स हैं जैसे कि ये एक B एंगल है और ये एक B एंगल है, ठीक है, मैं इन दोनों को करीब लाऊंगी और ये जो DB है, जो D एंगल है और इधर जो D एंगल है, मैं इन दोनों को करीब लाऊंगी। तो मैं इधर क्या लिख सकती हूँ, एंगल A प्लस एंगल ABB प्लस एंगल DBC प्लस एंगल ADB प्लस एंगल BDC प्लस एंगल C इक्वल टू, ये मेरा कितना हो गया 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री हो गए, राइट, ठीक है। तो इसको मैं अगर कॉमन करूँ तो मैं इसको बी एंगल लिख सकती हूँ, और अगर मैं इन दोनों को कॉमन करूँ तो डी एंगल लिख सकती हूँ, यस और नो, यस, ठीक है। तो ये मेरा बन गया एंगल A प्लस एंगल B, ओके, प्लस अगर आप इधर देखते हो तो ये BB है और ये भी DD है, तो इसीलिए मैं इसको एक ही बना दे रही हूँ, ठीक है। तो ABD एंगल और DBC एंगल मिलके बन गए B एंगल, तो वैसे ही ये जो दो एंगल हैं ADB और BDC एंगल, ये दोनों भी मिलकर क्या बन जाएंगे, D एंगल, ठीक है। तो ये मेरा हो गया D एंगल प्लस C एंगल इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। तो अगर मैं इसको और थोड़ा सजा के लिख देती हूँ तो ये क्या बन जाएगा, इसको मैं और थोड़ा सजा के लिख देती हूँ तो ये बन जाएगा एंगल A प्लस एंगल B, ओके, प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री, ये मेरा हो गया प्रूफ, ओके।
ये किसके लिए, ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के लिए, ठीक है। तो ये तो मेरा हो गया पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो बच्चों अगर आपको याद हो तो उसमें और एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर मतलब ये प्रॉपर्टी क्या कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल के लिए भी अप्लाई होगा। चलिए आइए देखते हैं होगा कि नहीं। तो क्योंकि ये एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल नहीं है तो हमें एक कॉन्केव वाला बनाना पड़ेगा, कुछ अलग सा डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या डायग्राम बनाऊंगी, मान लो मैं कुछ ऐसा डायग्राम बनाती हूँ। ओके, तो इसको मैं नाम दे दूंगी ए बी सी एंड डी, ठीक है। ये किसके लिए, एक कॉन्केव के लिए, ये बन गया कॉन्केव डायग्राम, कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो अभी भी इधर क्या हो रहा है, दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। अगर आप पूरे को देखोगे तो इसका इसको भी अगर आप सम कर रहे होगे सारे एंगल्स को तो 360 डिग्री निकलने चाहिए, है कि नहीं। तो इधर मैं क्या लिखूंगी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू इक्वल टू 360 डिग्री होने चाहिए, मतलब इस ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो ये दो एंगल्स में बढ़ चुके हैं ऊपर की तरह, तो मेरे क्या क्या एंगल्स बन गए इन ट्राइंगल ACD, ठीक है। ACD को अगर मैं कंसिडर करती हूँ, मतलब ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, अगर मैं ACD को कंसिडर करती हूँ तो मेरा क्या क्या बनेगा, एंगल डी प्लस एंगल डी ए सी प्लस एंगल बी सी ए, ओके, एंगल डी प्लस एंगल डी ए सी प्लस एंगल डी सी ए, तो ये वाला, ठीक है, ये वाला और ये वाला एंगल, ये तीनों एंगल मिलकर कितने बन जाएंगे 180 डिग्री, ठीक है। ये मेरा हो गया इक्वेशन वन। अभी आइए नेक्स्ट ट्रायंगल में चलते हैं, तो इसका नाम क्या है, इन ट्राइंगल ACB, ठीक है। ACB में क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा एंगल बी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी सी ए, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि बन जाएगा इक्वेशन टू। मतलब आप ऊपर जैसे करते थे इधर नीचे भी वही करना है, बस डिफरेंस यही है कि ये हमने किसके लिए किया, ये हमने कॉन्वेक्स के लिए किया, ठीक है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के लिए किया हुआ है, और ये वाला जो है ये कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप अगर देखोगे तो क्या होगा, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल और ये जो ए वाला एंगल है, ये तीनों मिलके 180 डिग्री होने मतलब होंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ओके। तो एडिंग, इधर हम लिखेंगे कि एडिंग इक्वेशन वन टू, ओके। अगर हम इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ठीक है, तो अगर मैं इसको अगर ऐड करती हूँ तो मेरा ये बनेगा एंगल बी प्लस एंगल डी ए सी प्लस एंगल डी सी ए प्लस एंगल, अभी इक्वेशन टू में आइए, एंगल बी प्लस एंगल बी ए सी, ओके, प्लस एंगल बी सी ए इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, राइट। तो अभी ऊपर की तरह, ऊपर जैसे हमने सॉल्व किया था उधर भी वैसे ही हम उसी प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे। तो मेरा अभी काम क्या है, जो ए एंगल है वो दोनों को मैं करीब लाऊंगी और सी एंगल्स जो दोनों हैं उन लोगों को मैं करीब लाऊंगी, ठीक है। तो ए एंगल कौन कौन से हो रहे हैं, ये डी ए सी और ये बी ए सी, ये दोनों हो रहे हैं, और सी वाले में कौन कौन आएंगे, डी सी ए और बी सी ए आएंगे, ठीक है। तो इसको सजा कर लिखेंगे तो ये मेरा बन जाएगा एंगल डी प्लस
एंगल डी ए सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल डी सी ए प्लस एंगल बी सी ए प्लस और एक क्या बचा बी एंगल बी ओके इक्वल टू 360 डिग्री। तो ऊपर जैसे हमने क्या था कि आप जैसे देख रहे हैं कि ए ए एंगल दो ठो मतलब दो हैं तो मैं इसको कंबाइन करके लिख सकती हूँ ठीक है। तो अगर मैं इसको कंबाइन करके लिखूंगी तो ये बन जाएगा एंगल बी प्लस ये बन जाएगा एंगल ए प्लस ये बन जाएगा एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल टू 360 डिग्री ठीक है। और अगर मैं इसको और थोड़ा सजा के लिखना चाहूँ तो मैं कितना लिख सकती हूँ इसको मैं लिख सकती हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। तो दिस इज ऑल्सो हैंस प्रूफ ठीक है। तो हमने क्या देखा बच्चों हमने ये देखा कि ये जो रूल है ये दोनों में ही अप्लाई होते हैं ठीक है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में भी या कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल में भी ये यूज होते हैं ये जो रूल है दोनों में यूज हो सकता है ठीक है। तो हम इधर लिखेंगे कि दिस प्रॉपर्टी इज अप्लाई फॉर बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये नंबर समझ आ गया होगा और आज के लिए बस इतना ही बच्चों। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड आप कमेंट भी करिए कमेंट सेक्शन में और शेयर दिस वीडियो एंड माय चैनल विथ योर फ्रेंड सर्कल्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ठीक है। मेरे चैनल का नाम है कॉन्सेप्ट्स एंड मैथ्स। ओके दिस इज़ माय चैनल नेम और वहाँ जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।